şeyden oku, daha hayretten oku. Niye gel? Amin. Daha doğru da bir de baksak. Niye gel? Niye gel? से रवाना हुए, निकल रहे हैं इस वक्त, जाएंगे यहाँ से क्वेटा, क्वेटा से तफ्तान, ईरान तुर्की क्रॉस करते हुए उसके बाद जैसे हम वापस आए हैं, बस आते हुए आए हैं वही सर्बिया, बुल्गारिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया। उसके बाद हमारा थोड़ा सा रूट इस दफ़ा चेंज है वापसी पे, हम स्लोवेनिया के बाद ना, हमारा फाइनल डेस्टिनेशन तो स्पेन है, लेकिन काम के कुछ सिलसिले में हमें थोड़ा सा डाइवर्ट करना पड़ेगा, तो हम जर्मनी जा रहे हैं सर। मतलब जर्मनी हमारा फ़िलहाल म्यूनिख शहर में हम जाएंगे, तो स्लोवेनिया के बाद मेरे ख्याल में हम ऑस्ट्रिया वाली साइड पे चले जाएंगे, उधर से होते हुए फिर म्यूनिख जाएंगे। वहाँ पर हमारा कुछ कारोबारी काम है, तो वहाँ से करके फिर हम दो दिन तीन दिन के बाद स्पेन के लिए रवाना होंगे। तो
तो हम आए थे एक फर्स्ट जनवरी को यहाँ पे पहुँचे थे सरगोधा। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहली दफ़ा इतनी देर हम आए, तो बहुत ज़्यादा हमने अपने कुछ कारोबारी काम भी थे, फैमिली टर्म्स मैटर्स भी थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी काम हमने ख़त्म करके और अब वापस जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं सफ़र हमारा अच्छा गुजरे, जिस तरह आते हुए अच्छा गुजरा। तो अभी देखते हैं क्या होता है, क्योंकि यूरोप से इधर आते हुए तो कोई ख़ास मसले मसाइल बॉर्डर्स पर नहीं हुए, तो अब देखते हैं वापसी पे क्या सलूक किया जाता है जब आप इधर से यूरोप की तरफ जाते हैं। तो बाकी ये है कि आते हुए भी जो सब हमारे दोस्त फैमिली मेंबर्स हैं उनकी दुआओं से हम बड़ा खैरियत से अच्छे तरीके से पहुंच गए थे। अब वापसी पे भी हमारे साथ काफ़ी दुआएं हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और जितना भी टाइम हम यहाँ पे पाकिस्तान में रहे हैं हमारे फैमिली मेंबर्स दोस्त अहबाब ने बहुत रिस्पेक्ट दी है, हॉस्पिटलिटी दी है। से हम वापस निकल रहे हैं, हमारा ये सरगोधा के एग्जिट है, इधर से हमारी पहली डायरेक्शन जो है वो झंग है, झंग से शोरकोट, शोरकोट से मुजफ्फरगढ़, और मुजफ्फरगढ़ से लोरालाई, लोरालाई से क्वेटा। आज रात को इंशाल्लाह उम्मीद है हम टाइम से पहुंच कर और क्वेटा में सेरेना होटल में स्टे करेंगे, फिर वहाँ से सुबह इंशाल्लाह सिक्योरिटी के एस्कॉर्ट के साथ हम फिर आगे तफ्तान तक जाएंगे। अब उसमें एक इशू ये है कि तफ्तान बॉर्डर्स 5 बजे शाम को बंद हो जाता है ना, तो क्वेटा से तफ्तान सुबह जितनी 7 बजे भी निकले तो मुश्किल है ना, क्योंकि कस्टम टर्म्स भी हैं उधर, कुछ उन्होंने भी स्टैंप वगैरह करनी है और एग्ज़िट वगैरह दायर, पहले पाकिस्तान से फिर ईरान वालों ने इन होने की वजह से उधर भी सारा अपना जो भी प्रोटोकॉल देना है वो देंगे। तो शायद हमें लगता तो यही है कि उधर तफ्तान बॉर्डर पर ही हमें एक रात सोना पड़े, क्योंकि बॉर्डर टाइमिंग्स जो है वो बंद हो गया होगा, तो उस वजह से फिर हम नेक्स्ट अगले दिन फिर इंशाल्लाह निकलेंगे। फिर उसके बाद तो कोई ऐसा मसला नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट जो है फिर सारा ईरान गुजर के तुर्की में भी के बॉर्डर पर कोई टाइमिंग वगैरह का चक्कर सोना नहीं है। तो देखें, उम्मीद करते हैं सफ़र अच्छा गुजरे, कोई मसला मसाइल ना हो, बाकी जो अल्लाह की मर्ज़ी। दोबारा फिर आपसे आगे जाकर कोई ऐसी जगह आई जिस पे आपको दिखाना पड़े या बात करनी पड़े आपको बताएंगे। फिलहाल के लिए अल्लाह Allah.
अस्सलामुअलैकुम। आज 9 फरवरी, हम इधर आप देख रहे हैं अपने सामने तफ्तान बॉर्डर पर पहुंच गए हैं। ये पाकिस्तान और ईरान का बॉर्डर है, तो ये गेट है जहां से हम पाकिस्तान का आखिरी जो मसलन रास्ता है इधर से निकलने के बाद हम आगे जो है जाहिदान की तरफ जाएंगे। और सफ़र पाकिस्तान में रोड्स कुछ इतने अच्छे नहीं थे और थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया हमें सफ़र के लिए। ठीक है, अभी इधर से क्लियर करके फिर आपसे रब्ता करते हैं। शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल? ठीक ठाक। इधर से एंटर होना है या आगे से? हम जो जर्मनी हाँ मैं फॉरनर हूँ, भाई जो है वो पाकिस्तानी है। पाकिस्तानी गाड़ी उधर ले जाएगा, उधर से आई है ये गाड़ी, उधर से। हाँ हाँ, कस्टम वालों से वो स्टैंप लगवाना है, पासपोर्ट है ना गाड़ी का, गाड़ी के पेपर। हाँ पास। ये हम पाकिस्तान से निकल रहे हैं, अब आगे अभी FIA होना है, FIA और कस्टम ने क्लियर करना है, कार्डनेट पे स्टैंप लगवानी है पाकिस्तान से एग्जिट की, और फिर ईरान में एंट्री शुरू होगी। ये आखिरी कुछ फुट्स या मीटर्स रह गए हैं पाकिस्तान की ज़मीन के, चले फिर बाद में बात करते हैं। अच्छा, किधर जाना है? FIA आ गई।